हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मेरे ओर से जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत बिहू टैग, और उसी के अंतर्गत हम लोग कुछ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला ग्रुप आता है वो हमारा बिहू ग्रुप है। गाइस, मैं इसमें बता दूं कि जो ये ग्रुप का यूज किया जाता है बिहू का, बिहू मतलब दिखना होता है, मतलब कि इसका यहाँ पर जितने सारे ग्रुप हैं ये सब अलग अलग तरीक़ों से देखने का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर व्यू ग्रुप की। यहाँ पर आपको दिख रही होगी रीडिंग मोड। एक्चुअली में जो रीडिंग मोड काम करता है वो हमारे पेज को एक नहीं दो भागों में डिवाइड कर देता है, ताकि हम आसानी से पढ़ सकें। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, केवल क्लिक करके देखें हमारा काम हो जाएगी। इस तरह से रीडिंग मोड में ले आता है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एडिटिंग करना चाहें तो नहीं हो सकता है, केवल रीड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अगले की। तो यहाँ पर क्या आती है हमारे पास प्रिंट लेआउट, जो हमारा पेज होता है बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में होता है, इसी फॉर्म में हमारा काम होता है। तो गाइस देख, आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है प्रिंट लेआउट के फॉर्म में होता है। इस तरह हमारा वेब लेआउट, जो हम वेब ब्राउजर होती है हमारा, अभी तो एक ही पेज है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, नया पेज में इसको डाल देता हूँ, इन सब में जाके न्यू पेज ब्रेक कर देता हूँ, और यहाँ से फिर से इसको पेज ब्रेक कर देता हूँ, इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक। ओके, अब हमारा तीन पेज हो गई होगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो खंडित है, एक खंड ना दिखाए, अलग अलग पेज ना दिखाए, सभी एक ही पेज के अंतर्गत दिखाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर वेब लेआउट में आएंगे। अब देख सकते हैं कि एक ही पेज पर सभी एड हो गए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर अगला आती है आउटलाइन। यहाँ पर जो हम पेज में पैराग्राफ लिए हैं उसमें आउटलाइन देने के लिए रहता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दे सकते हैं कि हर पैराग्राफ में एक रेडियो बटन लगा देता है। सॉरी गाइस। इसी तरह से हमारा जो अगला आता है ड्रॉ, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हर पेज में जो है हमारा एक ही पेज में दे दिया है, जो वेब पेज की तरह काम करता था, मतलब ये हाफ ही रेंज में दे दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं अगला इम्प्रेसिव। इसका यूज बेसिकली रीडिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कॉलम विड्थ वगैरह दे सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कॉलम विड्थ वगैरह है। कलर पेज दे सकते हैं जैसा देना चाहें, इस तरह से आपको दिख जाएगी। फोकस दे सकते हैं कि कैसा देना चाहेंगे, इस तरह से, मतलब जो वर्ड का फोकस कैसा होगी, एंड इसको मैं ले लूँ तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर बहुत सारे हैं, वर्ड के बीच का स्पेसिंग वगैरह है, और यहाँ पर सिंबॉलिक है जैसा देना चाहेंगे। ओके, अब यहाँ पर रीड अलाउड करेंगे तो रीड इस तरह से देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग व्यू टैब के अंतर्गत जो शो ग्रुप है, बेसिकली जो यूज गाइस हमने इसकी भी कर चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो रूलर है ये वाला पट्टी को दिखाता है। जैसे मैं प्रिंट लेआउट में जाता हूं, अब यहां पर हम लोग को पट्टी दिख रही है, जिसको रूलर है स्केयर बोलते हैं, इसको हाइड एंड शो करा सकते हैं। देख सकते हैं हाइड एंड शो हो गई होगी। ओके, इसके बाद ग्रिड लाइन आती है, ये बेसिकली यहाँ पर यूज नहीं होता है, लेकिन एक्सेल सब में यूज होता है, देख सकते हैं ये, या तो फिर यहाँ पर कोई पिक लेंगे तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए रहता है। ओके, नेविगेशन, किसी भी वर्ड को खोजने के लिए जो हमने पिछले वीडियो पर बात की थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मेरे को यहाँ से कुछ सर्च करना है डब्लू वाले वर्ड से, तो आप देख सकते हैं जितने सारे डब्लू वाले वर्ड है इसको सबको हाईलाइट कर दिया है, सारे पिछके कर दिए होंगे, देख सकते हैं। ओके, जैसे मैं इसको
और क्लिक करता हूँ, क्लिक हटाता हूँ तो नॉर्मल सी हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं जूम की। जूम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पॉपअप खुल के आता है। यहाँ पर हम कितना जूम करना चाहते हैं उसकी साइजिंग वगैरह है आप देख सकते हैं। जैसे 2000 में करता हूँ, 200 में, तो यहाँ पर ओके करेंगे तो देख सकते हैं इतना बड़ा 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 हो जाता है। इस तरह से और भी हैं ऑप्शन, ठीक है। मैं मेनी पेज में करेंगे तो आपको इस तरह से होगी, देख सकते हैं मैंने मैं सभी पेज को एक साथ कर दिया है। और यदि मैं यहाँ पर 100% में करता हूँ तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज में आ जाती है, 100 जो पेज लेआउट होती है हमारे, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होती है, पेज लेआउट प्रिंट लेआउट होती है, और उसका जो साइजिंग होता है वो 100 होती है। अब हम बात करें कि इस जो वर्ड है इसको हम कितने पेज में देखना चाहें, तो हमारा एक जूम ग्रुप के अंतर्गत 1 पेज है, मल्टीपल पेज है, और यहाँ पर पेज विड्थ है पेज की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। जैसे मैं 1 पेज करता हूँ तो देख सकते हैं आपको कि इस तरह से आपका साइजिंग आ जाती है 1 पेज में। मल्टीपल पेज में करता हूँ तो आप देख सकते हैं सभी पेज को एक साथ दे दिया है। इसी तरह से जैसे मैं पेज विड्थ में करता हूँ तो उसकी चौड़ाई दे देता है, मतलब एक पेज को एक विड्थ में दे देता है। ओके, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 100 करता हूँ तो फिर से हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 100 आ जाएगा। ओके, ये होती है हमारे पास जूम ग्रुप। अब हम अगले बात करते हैं विंडो। बेसिकली जो यूज किया जाता है इसको कॉपी करने के लिए, जो विंडो को कॉपी करने के लिए, मतलब ये जो लिखा हुआ है यही सेम टू सेम कॉपी दूसरे पेज में और भी हो जाए। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं न्यू विंडो पे, तो यहाँ पर क्या आती है, जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं नया पेज आ गया। यहाँ पर दिखेगी आपको 2 लिखी होगी। जैसे फिर से जाकर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगी, फिर से क्लिक करेंगे आप यहाँ पर 3 आ गई होगी। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं आगे की, तो अरेंज ऑल। तो जितने सारे हमारे पास विंडो अभी हमने नया बनाई है यहाँ पर, उसको पूरा को अरेंज करने के लिए यहाँ पर अरेंज ऑल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सभी जो पेज हैं वो सभी अरेंज हो जाते हैं। जैसे मैं इसको कुछ को बंद कर लेता हूँ, इस तरह से आप बंद कर सकते हैं, या तो फिर बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ओके, क्योंकि स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ना होता है, मतलब पेज को कितने भागों में आप तोड़ना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कुछ तोड़ना चाहता हूँ। ओके, यहाँ से जैसे स्प्लिट करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज टूट जाएगी, और यहाँ से फिर से पूरा का पूरा पेज वही दिखने लगी, 2 पेज खुल जाते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 पेज खुल गई है। ओके, फिर से इसको रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर देंगे, तो एक ही पेज में हमारा काम करना शुरू हो जाएगा। व्यू स्लाइड साइड बाय साइड, तो यहाँ पर क्या होता है कि साइड बाय साइड करके दिखाता है अपने पेज को। ओके, ये होती है हमारे पास विंडो ग्रुप। स्विच में क्या होता है कि अभी हम, अब तो हमारा बंद कर दिया है, अन्यथा यदि हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट खुला रहता ना तो उस समय यूज होती है। जैसे यहाँ पर मैं कर दूँ, यहाँ पर न्यू खोल देता हूँ, जैसे यहाँ पर न्यू गया, जैसे न्यू खोल दिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे 3 ग्रुप हो गए हैं, तो जिस पेज को देखना है उस पर क्लिक करेंगे उस पेज पर पहुँच जाएंगे। ओके, इस तरह से होती है हमारे पास विंडो स्विच, विंडो ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इतना हम, आई होप इतना कमांड आप सभी समझ गए होंगे। तो हम अगले वीडियो पर मिलते हैं बेहतर माइक्रो आयन शेयर पॉइंट दोनों टूल को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।